29 जून को मनाए जाने वाले इस्लामिक त्यौहार ईद उल अजहा को लेकर भिलाई में तैयारियां जोर शोर से चल रही है। इस त्यौहार में कुर्बानी देने का रिवाज होता है, जिसके मद्देनजर ऊंची नस्लों के बकरे भिलाई के बाजारों में लाए गए हैं, जिन्हें खरीदने लोगों की भीड़ भी उमड़ पड़ी है। ईद उल अजहा क्यों मनाया जाता है व बकरों की कौन कौन सी वैरायटियां उपलब्ध हैं, इसे लेकर बातचीत किया। मुस्लिम समाज में तो वैसे कई त्यौहार मनाए जाते हैं, उन त्यौहारों में एक ईद उल अजहा है। ईद उल अजहा में कुर्बानी कराने का रिवाज है और कुर्बानी को लेकर हर साल जो है बकरों की एक बड़ी खेप छत्तीसगढ़ भिलाई में आती है और बकरों की सेल होती है। एक कॉम्पिटिशन, एक दौड़ सा होता है कि किसका बकरा इतना मजबूत है, किसका बकरा कितना महंगा है, क्या क्वालिटी है। तो हम आज यहाँ जो तबेला होता है वहाँ पर आए हैं और यहाँ पर कई नस्ल के बकरे यहाँ पर मौजूद हैं और हम यहाँ जो मुस्लिम समुदाय के जो प्रमुख हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं, उनसे ये जानना भी चाहेंगे कि बकरीद का जो त्यौहार है, ईद उल अजहा जिसे कहते हैं, उसका महत्व क्या है, उसको क्यों मनाया जाता है। सर आपका स्वागत है, बताएंगे कि बकरीद का त्यौहार जो है वो क्यों मनाया जाता है। मैं मोहम्मद आसिफ इकबाल, असिस्टेंट इंजीनियर इरीगेशन डिपार्टमेंट में। मैडम ने जैसे बताया कि ईद उल अजहा भी हम लोगों का त्यौहार है करके, बेशक ईद उल अजहा भी त्यौहार है, ये कुर्बानी का त्यौहार है। ये हम लोग में कुर्बानी का त्यौहार इसलिए मनाया जाता है कि लोगों को एक दूसरे का दर्द का एहसास हो। ये हमारे नबी इब्राहिम अलैहि सलाम की सुन्नत है जिसको हम अदा करते हैं। लोग बाग बोलते हैं कि बकरा बड़ा होना चाहिए, बकरा छोटा होना चाहिए, बकरा सुंदर होना। आपकी नीयत कैसी होती है उसके ऊपर मैं डिपेंड करता है कि आपकी नीयत क्या है, आप कुर्बानी की नीयत रखते हैं कि नहीं रखते। बड़ा जानवर करे या छोटा करे या महंगा जानवर करे उससे मतलब नहीं होता, नहीं होता है। सारा दारो मदार नीयत पे होता है। आप ये देखें कि जिसके यहाँ कुर्बानी नहीं हो रही है उसके यहाँ भी आप गोश्त दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, और जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हो रही है आप उनके यहाँ भी इस चीज़ को उनको आप अपने उसमें शामिल कर सकते हैं। जैसे कई बार होता है कि एक ही घर में तीन तीन चार चार कुर्बानियाँ होती है, तो चाहिए ये कि आपके जो गरीब रिश्तेदार हैं उनके यहाँ आप अपना बकरे भेज दीजिए, वहाँ पे कर देते हो। छोटे बच्चे लोगों को कितनी खुशी होगी जिसका आप अंदाज नहीं लगा सकते। तो कहने का मतलब ये है कि कुर्बानी जो कर रहे हैं आप, तो आप खुदा की रजा के लिए कर रहे हैं, ना कि आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा त्यौहार ये हमारा ये है, इसमें ये है कि आप अपनी रजा के लिए नहीं, आप खुदा को रजा करने के लिए आप ये त्यौहार। बहुत अच्छी जानकारी। अभी मुस्लिम भाई ने भी एक और भाई मौजूद है, बताएंगे कि कुर्बानी का महत्व क्या है और जो आज यहाँ कमेला खाना इसको बोलते हैं, यहाँ किस किस नस्ल के बकरे यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर कई नस्ल के हैं, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, यूपी के, जमुना पाली, कोटापरी और देसी बरबरी, मालवा का मालवांचल से सभी तरह के माल। हाँ, इस बार ये जरूर है कि बाजार थोड़ा महंगा है, महंगाई की मार इन बकरों पर भी आ गई है। लोग बड़े कश्मकश में है कि किस तरह से इस त्यौहार को मतलब मैनेज करें, महंगाई के दौर में वही चल रहा है बाजार। एक भाई ने बताया था अभी कि गोश्त काफी महंगा होता है और गरीब परिवार जो सही तैयारी करा पाते हैं उन लोगों को तकलीफ इसे करना चाहिए, आपकी क्या राय है, क्या कहना है? बिल्कुल करना चाहिए, त्यौहार है ही इसीलिए ताकि साल भर जो इंसान, जो मतलब गरीब लोग या जरूरतमंद लोग अच्छे किस्म का गोश्त नहीं खा पाते, उन्हें वो प्रोटीन मजा अच्छी क्वालिटी की नहीं मिल पाती। इस त्यौहार का ये भी एक इम्पोर्टेंस है, जो मेन जो कहा जाए, अगर रिलीजियस मैटर पे ना जाऊँ मैं उस हिसाब से, तो उसमें ये है कि इन लोगों को वो क्वालिटी वाली चीज़ मिल जाए, वो गजा मिल जाए, जिससे कि वो महरूम रहते हैं साल भर, कभी किसी दुकान से कितने उमदा किस्म का गोश्त उन्हें नहीं मिलता। राजस्थान लाए हैं, राजस्थान, आंध्रा, एमपी वाला सगल सबके बकरा आ गए। और सबके रेट क्या क्या है? रेट तो 10,000 से लेके 40,000 तक है बकरा। और जो सबसे अच्छी क्वालिटी का, जो सबसे अच्छा बकरा कौन सा? राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, यूपी, सगल अच्छे माने जाते हैं। आपने जगह का नाम बताया, क्वालिटी का नाम बताएं, जो वैरायटियां होती हैं। वैरायटियां कोटापरी जिसे होते हैं, हरियाणा हरियाणा, ये बकरा अच्छा होता है। मार्केट में महंगाई है, महंगाई बहुत ज्यादा है, बकरा की महंगाई बहुत ज्यादा, गरीब लोग कुर्बान नहीं करा सकते बेचारे, इतना महंगाई खरीदार। आप छत्तीसगढ़ आते हैं जी, यूपी से आए, वहाँ की जनता जो है क्या? यहाँ अस्पताल आते हैं तो रुपए यहाँ से कमा के जाते हैं, इसीलिए आते हैं।
सबसे ऊंचा बकरा ये बता दें, ये बकरा ये कौन से नस्ल का बकरा है? ये तोता परी, क्या खासियत है इसमें? खासियत ये है कि इसका नस्ल बहुत अच्छा क्वालिटी होता है, इसका नस्ल बहुत अच्छा क्वालिटी होता है, अच्छा माना जाता है बकरा का क्वालिटी, इसको अच्छा माना तो जाता है। तैयारी के लिए हमने कमरे का दौरा किया, हर नस्लों के यहाँ पर बकरे मौजूद हैं, जिस तरह के लोग खरीदारी कर रहे हैं देखा। अभी भी सोशल मीडिया पर शाहरुख खान और सलमान खान के बकरे को लेकर काफी सुर्खियाँ बटोरी जा रही है। 7 करोड़ का बकरा जहाँ शाहरुख खान का बताया गया है, वही 7 करोड़ का सलमान का बताया गया है। तो खैर देखना है छत्तीसगढ़ में कैसा मार्केट होता है, तो दूर दराज से यहाँ पर बकरों का एहसास करने लोग आए हैं, कितना खुश होकर जाते हैं। एनबीसी न्यूज के लिए संतोष शर्मा के साथ।